गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डोडी, केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी। मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी। आज केमिकल बॉन्डिंग सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन। केमिकल बॉन्डिंग का पहला पार्ट अपन देख चुके हैं, उसमें 30 क्वेश्चन थे अपने, और वैसे आगे 31 पे से अपन आज शुरू करते हैं। तो देखें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम है। इसमें बेटा आपको थोड़ा सा इनके लिए ध्यान रखना है, NH3 एंड NF3 के लिए स्पेशल ध्यान रखना है। क्या वैसे तो किसकी ज्यादा होना चाहिए डायपोल मोमेंट? NF3 का ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि डेल्टा एन ज्यादा है वहां पर। बिल्कुल, परंतु NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है किसके कंपेयर में? NF3 के कंपेयर। रीजन क्या है सर, बताएं? यहां पे देखा जाए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी आ जाती है, एक बार इंच चेंज कर लेते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई 3.0, इसकी हो गई 2.1। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया वो 0.9 आ गया। यहां पे ये है 3.0 और ये है 4.0। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया आपका 1। उस हिसाब से तो यहां पे डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन आप एक चीज देखें, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की। तो अगर देखा जाए, बॉन्ड की वजह से जो पोलैरिटी आ रही है वो नीचे की तरफ आ रही है। इसके पास एक लोन पेयर है और लोन पेयर ऊपर की तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी आ रही है लोन पेयर की वजह से वो ऊपर आ रही है। इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इक्वल नहीं है तो कैंसिल नहीं कर पाए, इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट नॉट इज इक्वल टू 0 रह गया। यहां पे देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नाइट्रोजन की है, तो बॉन्ड की पोलैरिटी नाइट्रोजन की ओर है, मतलब ऊपर की ओर है। वही एक लोन पेयर है, तो ये मॉलिक्यूल पोलैरिटी भी इसकी ऊपर की ओर जा रही है, तो दोनों यहां पे ऐड हो जाएगी, तो म्यू इक्वल टू नॉट 0 यहां पे। लेकिन दोनों के अगर कंपैरिजन की बात करें तो यहां पर तो देखो, लोन पेयर की पोलैरिटी को ये कम कर रहा है और यहां पे ये लोन पेयर की पोलैरिटी का साथ दे रहा है, तो ऐसे में ये ऐड हो गया, तो आपका μ1 बड़ा रहेगा किससे? μ2 से। क्यों सर? बिल्कुल सर, यहां पर ये बोल सकते हैं इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव। डायरेक्शन क्या होती है डायपोल मोमेंट की? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। यहां पर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव, और यहां क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। तो इसकी क्या आएगी? डायरेक्शन ही आएगी। अब यहाँ बेटा आपको एक तो इस पर क्वेश्चन पूछता है और एक ये पूछ लेता आपको H2O एंड OF2 में भी बात कर लेता है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। एंड H2O बात करें तो यहाँ ज्यादा किसकी आएगी? H2O का डायपोल मोमेंट ज्यादा आएगा, सेम रीजन है। ये आपने जो रीजन बताया सेम टू सेम रीजन यहाँ पर आएगा। तो अपन देखें CH4 का डायपोल मोमेंट कैसा मिलेगा अपने को? ये तो रेगुलर ज्योमेट्री है सर, 0 हो गया। या तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं हो, लेटरल एटम क्या हो? सेम हो, तो डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का कैसा आएगा? 0 है। बिल्कुल सर। उसके बाद अपन बात करें CH4 के बाद में कौन आ गया? NH3 आ गया, फिर सॉरी NF3 आ गया, NH3 आ गया, और लास्ट में कौन आ जाएगा? H2 आ जाएगा। H2O में देखा जाए आपका, तो यहाँ पे दो लोन पेयर हैं जो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ऊपर की ओर ऐड कर रहे हैं। क्यों सर? इस वजह से इससे तो ज्यादा डेल्टा एन भी यहाँ ज्यादा मिल रहा है अपने को, तो अपना क्या आ जाएगा? फर्स्ट आंसर आ जाएगा सबसे ज्यादा H2O, फिर NH3, फिर NF3 एंड फिर CH4। सर मेरा एक सवाल है यहाँ पे, जब अपन सोल्युबिलिटी की बात करते हैं कि H2O में ज्यादा सोल्युबल होगा यानी कंपाउंड या H2O2 में, तो वहां पर अपन एक सिंपल सी बात करते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिसाइड करेंगे, और अपन कहते हैं कि H2O2 की डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका ज्यादा होगा। सर ने बताया, वैसे एक चीज ये भी याद रखना, H2O2 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा किसके कंपेयर में? ये सर ने अच्छी बात बताई, ये भी याद रखना है। ये तीन जो है इनके स्पेशल याद रखने आप। देखो इसमें रीजन क्या है, इसके पास तो दो लोन पेयर की वजह से पोलैरिटी है। अब इसके आपको स्ट्रक्चर सबको पता है, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। अपन इसको समझना चाहे तो यू समझ सकते हैं, हाफ ओपन, ऐसे मत कर देना यू। तो यहां पर दोनों ऑक्सीजन है, तो जो लोन पेयर है ना वो चारों लोन पेयर नीचे की ओर है, जबकि अपन जब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो अपने को यू लगता है कि दो लोन पेयर अपन इधर बना लेते हैं, दो ये, तो अपने को ये लगता है कि ये कैंसिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये हाफ ओपन है, ये भी नीचे की तरफ है और ये भी नीचे की तरफ है, इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। क्या सर? बिल्कुल सर। अब ओपन सर ने बात कर दी, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर्स या हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ये कैसे पता लगेगा किसकी ये स्ट्रक्चर आ रही? इसके लिए मेरा एक तरीका है, ये आपका लगेगा, यदि दो sp3 हाइब्रिड है। बिल्कुल सर। यदि दो sp3 हाइब्रिड एटम है, उनमें कंडीशन कौन सी है? दो सिग्मा दो लोन पेयर। जी सर, sp3 हो और कंडीशन क्या? दो सिग्मा दो लोन पेयर, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर या हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो H2Cl2 भी हाफ ओपन लाइक होगा। बिल्कुल सर। O2F2 भी हाफ ओपन लाइक होगा। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल आपके समझ में आ गया। अब आपको सोचने का होल्ड वाइज है, ये भी ओपन बुक लाइक होगा। ये अपन कैरोज एसिड में बोले H2SO5, इसमें प्रोक्सी लिंकेज है, प्रोक्सी लिंकेज आपको जहां भी मिलेगी वो कैसे रिप्रेजेंट करेगी?
ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर दे। बिल्कुल, अब आपको यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं कि हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर किसकी होगी। मतलब सर ने कहा कि अगर दो सेंटर sp3 आपस में जुड़े हुए हैं और उनके पास सिग्मा और पाई सॉरी लोन पेयर इक्वल है, दो दो है, दो सिग्मा दो लोन, हां जी, तो वहां पर हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल होगी, और ये स्ट्रक्चर हमेशा पोलर एंड नॉन प्लेनर होगी। जी, पोलर एंड नॉन प्लेनर। बिल्कुल, दो प्लेन आ गए तो नॉन प्लेनर हो गई, और पोलर इसलिए हो गई क्योंकि चारों के चारों लोन पेयर एक ही डायरेक्शन में है। क्यों सर? बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले सर। बिल्कुल सर। पॉकेट में पहुंच गए आगे। द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज, ये बात करें बेटा जी, अपन पहले बात कर चुके हैं, ओवरलैपिंग किस पर डिपेंड करती है, साइज पर डिपेंड करती है। आपने कहा था कि जो ओवरलैपिंग है वो साइज गेन ऑर्डर ली होती है, और आपने साथ में एक बात कही थी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। परंतु ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी लगानी कब है? जब क्या हो, साइज सेम, जब साइज कैसी हो। इसका मतलब आप सर ये कहना चाह रहे हो, ये तब लगेगा इफ साइज सेम ऑफ ऑर्बिटल सेम सेम। अब यहाँ पर देखो बेटा, अपने को कुछ नहीं बोला हुआ, तो अपन क्या मान के चलते हैं, साइज ऑफ ऑर्बिटल सेम मान के चलते हैं। कुछ सर, तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी देख लेंगे अपन। तो अपना सर एस तो स्फेरिकल हो गया, इसका मतलब है किसी भी डायरेक्शन से ओवरलैपिंग हो सकती है, ये तो नॉन डायरेक्शनल हो गया। बिल्कुल सर। पी अपना एक डंबेल शेप में है तो एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखता है, तो एस के अलावा जितने भी सब सेल है वो डायरेक्शनल है। सर, तो आपका पी डी एफ ये आपके डायरेक्शनल है, तो इस हिसाब से तो सर ये दोनों डायरेक्शनल है। यहाँ पे एक डायरेक्शनल और एक नॉन डायरेक्शनल है, और यहाँ पे दोनों ही नॉन डायरेक्शनल हो गए, तो आंसर सर आपके हिसाब से थर्ड गया फिर। बिल्कुल सर। नेक्स्ट बात करते हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ सर, करेक्ट मैच इज सही मिलान है, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ ये सही मिलान का ध्यान रखना, करेक्ट और इनकरेक्ट के लिए बात करता है। अब डी कौन सा कैसे कैसे यूज आ रहा है, क्या क्या यूज आ रहा है, उसके लिए बात करें। देखो बेटा, डी टोटल पांच प्रकार की बात कर रहे हैं, डी एक्स वाई, बिल्कुल सर, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब इनको फिर दो पार्ट में क्लासिफाई किया, इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल और इनको बोलते हैं एक्सियल। एक बार बच्चों को यह भी जानने की इच्छा हो रही है कि नॉन एक्सियल और एक्सियल कैसे कहा गया है। जो अक्षों के ऊपर अक्षिस, जैसे ये एक्स है ये वाई है, जैसे मैंने बोला डी एक्स वाई बोला, तो ये कहां पर पड़े हैं, अक्षिस के बीच में पड़े हैं, बिटवीन टू एक्सिस, तो ये कैसे हो गए, नॉन एक्सियल हो गए। जबकि इनके एक्सियल की बात करें तो ये कहां रहेंगे, एक्सिस के ऊपर रहेंगे। बिल्कुल सर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा ही होता है। हाँ जी, तो ये एक्सिस के ऊपर और ये एक्स एक्सिस के ऊपर और ये वाई एक्सिस होगी। वैसे ही सर डी जेड स्क्वायर अपना ये हो गया। बिल्कुल, क्यों सर? बिल्कुल सर। अब आपको याद करना है कि किसमें कौन सा काम आ रहा है, वो सर बताएंगे आपको। सर इसी चीज पर आपने मतलब कि कोऑर्डिनेशन में T2G और EG बोल सकते हैं। बिल्कुल सर। ये तो हो गए नॉन एक्सियल, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में हो, इसीलिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। क्यों सर? इन तीन को एक ग्रुप में ले लिया, और जो एक्सियल हो गए उनमें डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को अपन ने ले लिया। क्यों सर? बिल्कुल सर, यही रहा। और इसी के बेस पे स्प्लिटिंग होती है, वो अपन कोऑर्डिनेशन में समझेंगे, इस चीज का बड़ा रोल है। जो सर ने कहा है ना एक्सियल, तो आपने देखा होगा ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड अप्रोच किधर करता है, बिटवीन टू एक्सिस, इसी वजह से क्या होता है अलोंग टू एक्सिस, इसी वजह से क्या होता है अलोंग टू एक्सिस आने की वजह से ईजी ऊपर चला जाता है। क्यों सर? और टेट्राहेड्रल में क्या होता है, जो लिगेंड की तरफ लिगेंड मेटल की तरफ जो अप्रोच करेगा वो बिटवीन एक्सिस करेगा, इसलिए T2G ऊपर चला जाता है। क्यों सर? तो बिल्कुल इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन की बात करें सर। बिल्कुल सर। तो यहां पर सबसे पहले बात कर रहा है sp3d में dx स्क्वायर y स्क्वायर। तो देखो, अगर dx स्क्वायर y स्क्वायर लेते तो इसकी स्ट्रक्चर अपनी आ जाती स्क्वायर पिरामिडल, जो कि एक अनस्टेबल है, तो यह तो हो ही नहीं सकता। क्यों सर? बिल्कुल सर। इसलिए इसमें तो हमेशा ही dz स्क्वायर आएगा। dx स्क्वायर y स्क्वायर जब भी आता है स्ट्रक्चर को प्लेनर की ओर लेके आता है, यह हमेशा ध्यान रखो। क्यों सर? बिल्कुल सर। उसके बाद में sp3d2, तो एक तो होता है dx स्क्वायर y स्क्वायर जो इसको प्लेनर की ओर लेके आएगा, आपको पता हो तो स्क्वायर प्लेनर होता है,
उसके बाद में दूसरा होता है डी जेड स्क्वायर जो इसको एक्सियल बॉन्ड देगा। क्यों सर? सॉरी लॉन पेयर की तरह बना दिया, वो एक्सियल बॉन्ड दे देगा। क्यों? तो इसका मतलब सर ये भी रॉन्ग हो गया। फिर जैसा कि मैंने इसकी बात की थी, अपने पहले भी बात की है, डी एक्स स्क्वायर यहां पे जो डी होगा वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा जो तो इसको पेंटागोनल प्लेनर की ओर लेके आएगा। उसके बाद में दो होंगे अपने डी जेड स्क्वायर और एक होगा डी एक्स वाई। क्यों सर? बिल्कुल सर। तो इस हिसाब से यहां पर है, ये भी स्टेटमेंट हो गया, एक सही हुआ, बाकी ये दो सही हो गए, ये आपका गलत हो गया। फिर बात करते हैं इसकी डीएसपी टू, और डीएसपी टू की स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्क्वायर प्लेनर। और मैंने पहले कहा डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जब भी आएगा प्लेनर स्ट्रक्चर को इंड्यूस करेगा। तो अपना स्ट्रक्चर इसका कैसे बन जाता है? स्क्वायर प्लेनर। आप इसको तो अपना आंसर आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ गया, एक साथ लिख लो बेटा इनको। एक मिनट सर, एसपी थ्री डी आ जाए। एक मिनट सर, एसपी थ्री डी आ गया तो सर ने बताया वैसे पहले कौन सा काम आएगा अपने टी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर काम आएगा। अगर अपने पास डी एस पी टू आ जाता है तो कौन सा काम आएगा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काम आएगा। जी सर। अगर एस पी थ्री डी टू आ जाता है तो कौन सा आ जाएगा? डी एक्स, इन दोनों को साथ लिख दो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साथ में कौन आएगा? डी जेड स्क्वायर काम आ जाएगा। अगर अपने पास एस पी थ्री डी थ्री आ जाता है तो दो तो ये हो गए, कौन से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड फिर डी जेड स्क्वायर और फिर एक कौन सा बच जाएगा? डी एक्स वाई आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? एक्स वाई। इनको याद कर लें, याद करने का तरीका सर ने बताया वैसे कि अगर कोई स्क्वायर बन रहा है, देखो बेटा ये क्या है, ये एक्सिस के ऊपर पड़ा है। बिल्कुल सर। तो इनको अपन ऐसे मिलाएं, एक स्क्वायर बन रहा है अपने पास, तो याद रखने का तरीका जब भी अपने पास स्क्वायर की स्ट्रक्चर आएगी तो कौन सा आएगा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काम अपने आएगा, और जब भी पिरामिड लेगा तो अपने पास एक सिंगल लोब वाला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपके एआईपीएमटी में पूछा हुआ भी है, ये ध्यान रखना। हटाए सर। बिल्कुल सर। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्पीसीज कैन नॉट बी पॉसिबल, निम्न में से कौन सी आणविक प्रजाति संभव नहीं है? इसके एमओटी की बात कर चुके हैं, जिनके लिए बॉन्ड ऑर्डर जीरो आएगा उनका अस्तित्व नहीं होता। क्योंकि बेटा बॉन्ड ऑर्डर जीरो, बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? एवरेज बॉन्ड बिटवीन टू एटम, दो परमाणुओं के मध्य औसत बंध। अगर औसत बंध कैसा आ रहा है? जीरो आ रहा है, मतलब मॉलिक्यूल बना ही नहीं है। तो इनके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो तो मॉलिक्यूल स्टेबल। मॉलिक्यूल बनने के लिए कंडीशन है कि बॉन्ड होना चाहिए, जब बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड ही जीरो हो गया तो मॉलिक्यूल कैसा हुआ? तो कैलकुलेट कर लेते हैं अपने तरीके से। सर ने बताया ही था अपना, सर वो बोलना कौन कौन से, 2 4 6 8, 2 4 6 8 8, 10 10, 10 इस पर 10 लिख लें, उन पर 10 10, 2 4 6 8, 2 4 6 8 8, इन पर क्या था? एक, हाँ 10 10, बाकी सब पर क्या था? पॉइंट पांच था, पॉइंट पांच। इससे आगे जाएंगे तो 14 पर कितना आ रहा था अपना? 3 3, और इधर जाएंगे 20 पर कितना आ रहा है अपना? यहाँ पे बढ़ाना था 0.5 to 1, 1.5 to 2.5, 3 आ गया, 2, 2.5 और फिर 3 आ गया, फिर सर माइनस करना, डिक्रीज करते जाओ, 2.5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर उसके बाद में 1.5 हो गया, फिर 1 हो गया, और फिर 0.5 हो गया, फिर 0 हो गया। क्यों सर? बिल्कुल। तो सर सबसे पहले इसके पास आए 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 पे कितना है? 4 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, मतलब पहला ही आंसर आ गया अपना, नहीं करेगा। बिल्कुल। एक बार सर इनको अपन वो 14 इलेक्ट्रॉन वाले दोनों के कॉन्फ़िगरेशन का आप बता दे बच्चों को, थोड़ा बता दे, क्योंकि ट्रिक के अलावा इनके पास अगर वो भी रहेगा तो ठीक रहेगा। ये अठा देता हूँ सर मैं यहाँ से, आंसर तो अपना फर्स्ट आ गया। देखो बेटा अब कई बच्चों को इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं होता कि एमओटी का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, तो इसके एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। सिंपल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो अपने को आता है, एमओटी क्या बोलते हैं? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे। ठीक है, तो अपने को पता है 1s2, अपने सिलेबस में सिर्फ नियोन तक है, 2s2 एंड 2p6 लिख दिया हमने, इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपने को आ गया। अब ये दो आएंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर देना इसको, इसमें एस ओवरलैपिंग से क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा सर जी? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, यहाँ सिग्मा 1s स्टार बन गया। इसको फिर दो पार्ट में डिवाइड किया अपने, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2s स्टार। आपको पता है एस हमेशा सिग्मा बनाता है, इसलिए सर ने सिर्फ सिग्मा की बात की है यहाँ पे। अब यहाँ बात करें, यहाँ तीन ऑर्बिटल आ गए, तीन ऑर्बिटल आ जाएंगे तो यहाँ तीन ही बॉन्ड बनेंगे। कौन सा? अगर अपन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसको जेड एक्सिस को माने, तो सिग्मा 2pz,
या तो देखो हमेशा ध्यान रखो क्वेश्चन में इंटरनेट लेयर एक्सेस या तो देगा पाई टू पी वाई, इनकी एनर्जी इक्वल आएगी, या सिग्मा टू पी जेड स्टार पाई टू पी एक्स स्टार इक्वल टू पाई टू पी वाई स्टार, जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें क्या बोलते हैं, समवृक्ष कक्षक या फिर डिजेनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं। इसमें सर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा ऑप्शन दे देता है डिजेनरेसी के लिए, तो ये कभी डिजेनरेटेड नहीं है, ये यू डिजेनरेटेड है। The increasing stability of molecule species is as follow. निम्न आणविक प्रजातियों के स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम है। सर आप वाले ट्रिक से कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, आप इसमें बॉन्ड ऑर्डर काउंट कर लें, कुछ से कर लीजिए। सर ने कहा था कि 14 इलेक्ट्रॉन जब हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर होता है अपना 3। क्यों सर? बिल्कुल सर, अगर इलेक्ट्रॉन हो गए 13 तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, इलेक्ट्रॉन हो गए 12 तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.0, वैसे इलेक्ट्रॉन 15 हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर अपना हो जाएगा 2.5, और अगर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16 हो गए तो ये हो जाएगा 2.0। इतने से अपना काम हो जाएगा। सबसे पहले N2 14 इलेक्ट्रॉन है तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। क्यों सर? बिल्कुल सर। फिर N2 प्लस, तो N2 प्लस की अपन बात करें तो N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन हो गए 13 तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5, वैसे ही N2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5, तो इनका अपने को अलग से देखना है। फिर ऐसे ही N2 माइनस 2 आ गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.0। अगर दो स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा डिस्टेबिलिटी को बताते हैं, तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो कम स्टेबल होगा। तो देखो N2 माइनस है 14 थी का, जैसे 15वां इलेक्ट्रॉन आता है पाई 2p एक्स स्टार में आता है ये इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इसके अंदर ज्यादा है कंपेयर टू 13 वाले से, तो यहां पर इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसका मतलब इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करो तो N2 की स्टेबिलिटी होगी कम और N2 प्लस की होगी स्टेबिलिटी ज्यादा। और स्टेबिलिटी के लिए सर ने बताया था स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है बॉन्ड ऑर्डर के, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो अपना कौन सा हो गया N2, फिर उसके बाद में 2.5 वाले होंगे उसमें भी कौन सा N2 प्लस, फिर N2 माइनस और सबसे लास्ट में आ गया N2 माइनस 2। क्यों सर? बिल्कुल सर। तो आपको जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है, अगर दो स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है तो आप वहां पर देखो किसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसका स्टेबिलिटी कम होगा। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है, सर ने बताई वैसे कि सर यहां पर अगर एंटी बॉन्डिंग वाला फैक्टर कब लगाना है आपको और एंटी बॉन्डिंग वाला फैक्टर कब नहीं लगाना, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे देता है, लिथियम H2 एंड B2। अब यहां पर आपको पूछे कि इनमें बताइए कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप यहां भी बॉन्ड ऑर्डर काउंट करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर यहां भी कितना है आपका 1, 6 पर 1 था H2, बिल्कुल इसका भी 1 आया, B2 इसका भी 1, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है सर। जी सर। अब यहां पर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग नहीं लगाना है आपको, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग कब लगाना है आपको, तब लगाना है जब ओवरलैपिंग सेम हो, ये सर ने बताया ये फैक्टर कब लगाना है जब ओवरलैपिंग सेम हो, बिल्कुल जैसे यहां पर N2 N2 ही नाइट्रोजन नाइट्रोजन ओवरलैप हो रहे हैं जबकि यहां ओवरलैपिंग डिफरेंस होगी, बिल्कुल सर अलग अलग ओवरलैपिंग है, तो यहां पर आपको क्या लगाना है ओवरलैपिंग के फैक्टर लगा देना, तो यहां पर कौन सी ओवरलैपिंग है, यहां 1s 1s ओवरलैपिंग है, बिल्कुल सर, यहां पर कौन सी आ गई सर 2p 2p ओवरलैपिंग आ गई, जबकि यहां कौन सी ओवरलैपिंग आ गई 2s 2s ओवरलैपिंग आ गई, तो अब अपने को फैक्टर लगा देने हैं, यहां सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी आएगी H2 की, फिर किसकी आएगी B2 की, एंड फिर किसकी आएगी Li2 की। हमेशा ध्यान रखो जब साइज में से और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज में से चुनाव करना हो तो साइज ज्यादा डोमिनेट होगा। क्यों सर? बिल्कुल सर। तो ये आप दोनों अलग अलग रूल है, दोनों को अलग अलग जगह लगाना है, जब ओवरलैपिंग सेम होगी तब अपने को क्या लगाना है एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग वाला लगाना है, अगर ओवरलैपिंग सेम नहीं हुई तो अपने को क्या देखना है ओवरलैपिंग से आंसर देना है, क्योंकि इन दोनों में जो ओवरलैपिंग हो रही थी वो 2p 2p ओवरलैपिंग हो रही। चले सर। बिल्कुल सर। हाँ सर देख। इन विच केस ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव नॉट इक्वल एनर्जी, किसकी इक्वल एनर्जी, बेटा ऐसा क्वेश्चन काफी बार बात कर चुके हैं कि किसकी एनर्जी सेम नहीं है, ये वैसे तो आप बताओगे तो इसको आंसर किससे दे दोगे, बेंट रूल से दोगे, किससे, बेंट रूल से, जिनमें बॉन्ड एंगल सेम नहीं होगा उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी भी सेम नहीं होगी। जैसे मैं sp3 में देखता हूं सभी बॉन्ड एंगल कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे,
109 डिग्री 28 मिनट कितने, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, तुम कंफ्यूज होते हो 109 डिग्री 28 मिनट कितने एंगल होंगे, यहाँ पर 6 एंगल होंगे, कितने होंगे 6 एंगल। इसको याद रखने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, यहां से देख लो आप, एक तो इन दोनों एक्सिस में आ गया 2 3, फिर यहां से शुरू होता है 4 5 और फिर 6। या फिर अपन एक एग्जांपल की फॉर्म पर बताते हैं कि टेट्राहेड्रल शेप होती है, इसमें कैसी होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। टेट्राहेड्रल शेप के लिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, इनमें आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसी बनेगी अपने पास, ये इसकी स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनती है, ये स्ट्रक्चर होती है, कैमरा स्टैंड होता है उसके ऊपर वैसे ये स्ट्रक्चर बनती है। यहां एंगल देखिए आप 1 2 3 4 5 एंड ये 6 एंगल बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं अपने पास 6 एंगल बन रहे हैं, तो ये टेट्राहेड्रल। और मैं पहले बता चुका हूं, जब भी टेट्राहेड्रल वर्ड आ जाए या फिर पिरामिड वर्ड आ जाए वो हमेशा नॉन प्लेनर मिलेगी, कैसे मिलेगी नॉन प्लेनर मिलेगी। अपन नेक्स्ट बात करते हैं SP3D, SP3D के लिए अपन कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ट्रायंगल बनेगा बिल्कुल सर, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे बनेगा, तो यहाँ एंगल कितने बन रहे सर 120 के तीन, और ये कितने बनेंगे 90, ये एंगल चेंज आ गए, एंगल चेंज आ गए तो बॉन्ड भी चेंज मिलेंगे अपने को। जबकि SP2 में बात करें तो सारे बॉन्ड एंगल कैसे मिलेंगे 120 के मिलेंगे, बॉन्ड एंगल सेम है तो बॉन्ड एनर्जी भी सेम मिलेगी। SP3D2 में बात करें, SP3D2 के लिए अगर आप बात करोगे तो इसकी स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल आएगी, कैसी स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, मैक्सिमम 90 के एंगल कैसे मिलते हैं आपको SP3D2 में मिलते हैं। तो किसमें बॉन्ड एंगल अलग अलग आए अपने पास SP3D, किसमें SP3D में बॉन्ड एंगल अलग अलग आए तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी अलग अलग होगी। यही बात बेटा SP3D3 के लिए कर लेता, तो यहाँ वाले 72 मिल रहे हैं और ऊपर वाले कितने मिल रहे हैं 90 मिल रहे हैं, इस बार वाले यहाँ इक्विटोरियल कंडीशन में जो होंगे वो वीक हो जाएंगे, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखो SP3D, SP3D3 और ब्रिज मॉलिक्यूल, वहां पर बॉन्ड एनर्जी इक्वल है नहीं होगी, ना ही बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी, क्यों सर? बिल्कुल सर। हाँ, एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है, यहां पर जो एक्सियल बॉन्ड होंगे वो बड़े होंगे और SP3D3 में आपके इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ वो बड़ी बड़ी, और ब्रिज बॉन्ड में ब्रिज बॉन्ड हमेशा बड़े होंगे, क्यों सर? सर नेक्स्ट चले सर, इसमें तो आंसर सेकंड हो गया। बिल्कुल सर, द मेटलिक क्लस्टर बाय सोडियम इज एक्सप्लेन बाय सोडियम द्वारा प्रदर्शित धात्विक चमक को निम्न में से किसके द्वारा समझाया जा सकता है, बताइए सर। हमेशा ध्यान रखना, सोडियम एल्कलाई जो मेटल होती है उनकी लार्ज साइज मानी जाती है, और लार्ज साइज मानी जाती है तो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्डेड होते हैं न्यूक्लियाई से, इस वजह से वो इजी गोइंग ऑसिलेशन कर सकते हैं क्योंकि वो लूजली बॉन्डेड है, तो इसमें रीजन रहेगा सर ये। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवलेंट करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, बेटा कोवलेंट करेक्टर के लिए बात आई तो सीधा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, फाई के लिए बात आनी, आयनिक पोटेंशियल के लिए बात आनी चाहिए। सर आपको पहले ही बता चुके हैं आयनिक पोटेंशियल फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, क्यू बाई आर के, क्यू क्या है चार्ज और आर क्या है रेडियस किसकी कैटायन की। तो अपन देखें, देखिए यहाँ पर प्लस टू है और जबकि यहाँ प्लस वन और प्लस वन है, एनायन सब में सेम है, एनायन सब में सेम है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा अपने पास कोवलेंट करेक्टर किसमें मिलेंगे BeCl2, और इन दोनों में साइज की बात करेंगे तो Li छोटा होता है किसके कंपेयर में, सोडियम के कंपेयर में, तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड। यहाँ पे सर ने कहा भाई फेजांस रूल के साथ आपको जाना है, जब भी कोवलेंट करेक्टर, जब भी ऐसी बात करता है आपके सामने सीधा दिमाग में एक डायग्राम लगाएं कि अगर केटाइन बड़ा है और एनायन छोटा है तो यहाँ पर क्या आएंगे बेटा, आयनिक करेक्टर ज्यादा आएंगे, अगर केटाइन छोटा है और एनायन बड़ा है तो यहां पर कौन आएंगे, कोवलेंट करेक्टर आएंगे, क्या आएंगे कोवलेंट करेक्टर आएंगे, ओके। सीधा सा दिमाग में डायग्राम रखें, केटाइन बड़ा एनायन छोटा आयनिक करेक्टर, केटाइन छोटा एनायन बड़ा कोवलेंट करेक्टर। एक मन में सवाल उठता है कि अपने जो केटाइन होता है वो एनायन का पोलराइजेशन करता है, और अपन बोलते हैं कि इसका न्यूक्लियस होता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो ऐसी कंडीशन इधर भी लगती है, इसके इलेक्ट्रॉन को ये भी करता है, पोलराइजेशन इसका भी होता है, लेकिन इसकी साइज स्मॉल होने की वजह से इतना अप्रोच नहीं कर पाता है, और इसी वजह से अपन कहते हैं कि केटाइन एनायन का पोलराइजेशन होता है, बाकी पोलराइजेशन दोनों तरफ होता है, लेकिन लार्ज साइज की वजह से इसकी जो शेप है वो ज्यादा डिस्ट्रॉय होती है, तो अपन जनरली यही बात करते हैं सर कि केटाइन एनायन का पोलराइजेशन, क्यों सर? बिल्कुल सर, थर्ड आंसर दे दिए, तो इसमें आंसर अपना हो गया थर्ड। नेक्स्ट चले सर,
among KO2, AlO2, minus BaO2 and NO2 plus unpaired electron is present, right sir? अपन सर इसके बारे में इनसे पहले बात कर चुके हैं। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन जब भी पूछा जाए आपको मोनो एटॉमिक स्पीसीज दे दे तो उसके लिए तो एटॉमिक ऑर्बिटल में कॉन्फ़िगरेशन लो, बिल्कुल सर, और देख लो अनपेड है या नहीं है। और अगर आपके पास स्पीसीज कैसी हो डाई एटॉमिक है तो उसके पास MOT लगा के देख लो कि है या नहीं है। और अगर स्पीसीज पोली एटॉमिक है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ लो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओड है तो अनपेड है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इवन है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अपन सबसे पहले KO2 की बात करें तो ये कैसे टूटेगा, के प्लस और O2 माइनस, मतलब ये सुपरऑक्साइड है, सुपरऑक्साइड डायएटॉमिक स्पीसीज है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करके देखते हैं MOT में तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है, क्यों सर? बिल्कुल सर, MOT की अब अपनी आज ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन आपको फिल करना आता है। ये आपके पास आ गई पोली एटोमिक स्पीसीज, तो एक काम करो पोली एटोमिक आ गई तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, एल्यूमिनियम के 3, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6+6 और एक यहाँ पे एड हो रहा है, तो ऐसे आपके पास आगे 12 और 3 15 16, मतलब ये ओड आ गया, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं है, क्यों सर? बिल्कुल सर, अरे अपने को पूछा अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये तो गया। फिर आओ ये आपका क्या है, परोक्साइड है, कैसे टूटेगा, बेरियम प्लस 2 और O2 माइनस 2। एक चीज का ध्यान रखना आप इसको पोलिएटोमिक मत समझ लेना, आयनिक है ये, इसको आयनों में तोड़ो फिर देखो एनायन कैसा है। तो यहां पर देखें O2 माइनस 2 तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने क्या हो जाएंगे 0, MOT से फिलअप कर देंगे, देख लेना। फिर ये फिर से पोलिएटोमिक स्पीसीज आ गई तो नाइट्रोजन का कितना होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 6+6 -1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है उसको माइनस करना है, माइनस होने का मतलब जोड़ना है। तो यहाँ पे 12 तो ये हो गए, 12 और 5 हो गए अपने सब कितने 17, एक गया तो कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन रख के, इसका मतलब यहां पर सिर्फ KO2 ऐसा है जो पैरामैग्नेटिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन रख दिया, क्यों सर? बिल्कुल सर। अब इसका बेटा जी नाम याद रखना AlO2 माइनस, जैसे अपन ऐसे लिखते हैं NaAlO2, इसको क्या बोलते हो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं, ये कौन है मेटा एल्यूमिनेट आयन है, कौन है मेटा एल्यूमिनेट आयन है, इसका स्पेशल नाम याद रखना थोड़ा, ये बनेगा आगे ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जी सर। हाँ सर, विच ऑफ द फॉलोइंग अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, आप ये सर पहले भी बताए, बिल्कुल सर मैंने बता चुका हूँ आयन, तो बेटा सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बात करते हैं वो आयन आयन आयनिक बॉन्ड हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बात करते हैं, उसके बाद में अपन बात करते हैं आयन सर। जी सर, ये क्या रहेगा आयन डायपोल अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, ये कौन सा है डायपोल, डायपोल अट्रैक्शन फोर्स है, और इसमें बात करें ये भी डायपोल, डायपोल अट्रैक्शन फोर्स है, ये न्यूट्रल है भी, इसमें कोई चार्ज नहीं है, डायपोल सिंपल एटम आ गया तो आयन डायपोल अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा, वैसे इसके लिए पहले बात कर चुके हैं अपन, बिल्कुल सर। नेक्स्ट बात करें सर। हाँ सर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज है इसके लिए एक बहुत शानदार ट्रिक है, बताएं सर। अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहां पर पाई बॉन्ड है तो उसमें पी पाई होगा ही होगा, पी पाई डी पाई होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन अगर ये दो हाइब्रिडाइजेशन है और पाई बॉन्ड है तो पी पाई होगा ही होगा। और अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ चुका है, मतलब तीनों पी हाइब्रिडाइजेशन में आ गए और हाइब्रिडाइजेशन में आए हुए ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाते नहीं, तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d sp3d2 या sp3d3 होगा, और इस कंडीशन में आपको जितनी बार पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा हर बार वो पाई बॉन्ड पी पाई डी पाई होगा। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं सर कि अगर सेंट्रल एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक पाई बॉन्ड तो किससे बनेगा पी पाई, और बाकी जो बचे हुए हैं अगर है तो हाँ वो किससे तो बनेंगे पी पाई से बनेंगे। वैसे ही sp के अंदर पी पाई और बाकी जो बच गए पी पाई। ऐसे sp3 या उससे ऊपर का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3 या उससे ऊपर का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन है तो जितने भी पाई बॉन्ड बने हुए हैं सभी किससे बनेंगे पी पाई से बनेंगे, किसे पी पाई ओवरलैपिंग से बनेंगे। तो आप चेक कर ली, पर ये ध्यान रखना बेटा पाई बॉन्ड है कि नहीं है वो तो देखना है। हाँ बिल्कुल सर, तो आपकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सबसे ज्यादा लड़कों का कंफ्यूजन यही रहता है कि पीपाई डीपाई कैसे फाइंड आउट करें, कॉन्फ़िगरेशन बढ़ने लग जाते हैं, एक्साइटेशन स्टेज देखने लग जाते हैं, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखे 8 और 2 कितना हो गया 10, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। अब इसमें देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है,
और तो एक बच गया लोन पेयर, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने, तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे जाता है, क्यों सर? बिल्कुल सर। और ये आ गया यहाँ पे जो दो पाई बॉन्ड है दोनों के दोनों पी पाई डी पाई है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में तीनों पी इन्वॉल्व। और वैसे तो इस ऑप्शन में आप ये देख सकते हो इन तीन में तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, इन तीन में तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो आंसर कौन सा देगा अपना? फर्स्ट, जैसे सर की ट्रिक है वो लगा दो, जैसे SO2 पर लगाई, SO2 में हाइब्रिडेशन कौन सा आ गया बेटा? sp2 आ गया, तो इसमें दो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड तो आपका किससे बना हुआ है? पी पाई से बना हुआ है, और एक पाई बॉन्ड किससे बनेगा आपका? पी पाई डी पाई से बनेगा। और डी किसका आएगा? डी हमेशा सेंट्रल एटम का आता है, किसका आता है? सेंट्रल एटम का। अगर ऐसे में बात करूं SO3, SO3 में तीन पाई बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ बेटा जी? sp2 हाइब्रिडेशन हुआ, sp2 हाइब्रिडेशन हुआ, तो एक तो पी पाई और बाकी दो बचे पी पाई डी पाई। ऐसे आप बात करें जिनोन O3, जिनोन O3 में एक लोन पेयर है तीन सिग्मा है, तो sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, तो जितने भी पाई बॉन्ड बने वो किससे बनेंगे? पी पाई डी पाई से बनेंगे। आप ऐसे किसी का भी देख लो, पी फॉर एक ही पाई बॉन्ड है वो पी पाई डी पाई से है, आप किसी का भी देख लो सी एल ओ फोर माइनस है, एस पी थ्री आ गया, कितने भी पाई बने सारे पी पाई डी पाई से। तो ये चीजें याद रख लो, क्यों सर? बिल्कुल सर। आगे चले, हाँ जी देखिएगा सर, विच मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज लीस्ट लिक्विड टू रिजल्ट फॉर्म ए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, एक त्रिकोणीय द्विपिरामिडल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री से कौन सी आणविक ज्योमेट्री उत्पन्न नहीं होती? अपन sp3d हाइब्रिडेशन में जैसे जैसे लोन पे आते हैं वैसे वैसे रखते जाते हैं, लोन पे रखते जाएंगे तो कौन सी उसमें आकृति बन रही है वो अपने को पता है। पहले अपन बात करें पांच सिग्मा आएगा तो कौन सी आती है? समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिड आती है। फिर अपन बात करें चार सिग्मा एक लोन पेयर बात करें तो यहां पर कौन सी आएगी? अपने पाई शेप या सीसा बात कर सकते हैं, या तीन सिग्मा दो लोन पेयर आए तो अपने पास क्या बनेगा? टी शेप बनेगी, क्या बनेगी? टी शेप या टी शेप, या इसको अम्ब्रेला शेप भी बोल देते हैं सर, कि ऊपर लोन पेयर होता है तो वो ऐसे झुक जाता है जी। दो सिग्मा एंड तीन लोन पेयर की बात करें, दो सिग्मा तीन लोन पेयर की बात करें तो यहां लीनियर आएगी, कैसे आएगी? रेखीय ज्योमेट्री आएगी, कैसे आएगी? रेखीय आकृति अपने को मिल जाएगी सर। कई बार इसमें क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि यहाँ पर जो पहला लोन पेयर है वो एक्सियल पेयर ना आके इक्विटोरियल पे क्यों आ रहा है? तो सर इसकी भी बात अगर थोड़ी कर ले, इनकी स्ट्रक्चर से हाँ बताओ आप, वैसे बताइए अपन खाली पेज पे देख लेते हैं। बिल्कुल, तो देखो अपन इस एक हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, इससे पहले वेस्पर थ्योरी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी आपके पास एक चीज का ध्यान रखना, 90 डिग्री पे लोन पेयर रिपल्शन आता है वो स्ट्रक्चर कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। इसके बाद में 90 डिग्री पे जो लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आएगा इसके बाद में, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। इसके कंपैरिजन में 120 पर चाहे लोन पेयर रिपल्शन आ जाए वो भी इससे वीक ही माना जाएगा, क्यों सर? यस सर। तो अब थोड़ी स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं, मैंने आपको बता दिया ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर उसके बाद में रिपल्शन किसका होता है? 90 डिग्री पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर किसका होता है? 120 पे लोन पेयर इससे कम है, 120 पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, क्यों सर? और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम होगा। अब आओ देखो अपने पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, अब इसके मैं सीधे केस सेकंड से बात करता हूं क्योंकि लोन पेयर यहीं से आएंगे। तो अगर लोन पेयर आपके पास एक है और सिग्मा आपके पास कितने हैं यहां पे? चार है। तो देखो दो पॉसिबिलिटीज अपने पास आती हैं कि जो आपके पास लोन पेयर आए वो आ जाए कहां पर? एक्सियल एक्सियल। दूसरी कंडीशन अपने पास आती है कि अपना जो लोन पेयर है वो कहां जाए? इक्विटोरियल। तो देखो सर ने थोड़ी देर पहले सारे एंगल बताए थे, ये ऊपर है एक्सियल का मतलब। अब देखो 90 डिग्री पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर 1, 90 डिग्री पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर 2 और 90 पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर 3। तो 90 डिग्री पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने आ गए? 3। इसके कंपैरिजन में आगे वाले तो मानेंगे ही नहीं। बिल्कुल। यहां पे बात करें तो 90 पर 1 और 90 पे 2, बाकी ये तो 120 पे चला गया और मैंने पहले कहा था 90 के कंपैरिजन में 120 वाले को नेगलेक्ट करके छोड़ देंगे। तो यहां पर 90 डिग्री पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितने हैं? 2। तो यहां पर तो रिपल्शन ज्यादा है और यहां पे रिपल्शन कम है, तो कंपैरेटिवली ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए यहां लोन पेयर का आएगा इक्विटोरियल पे आएगा।
फिर अपने पास कंडीशन एक और आती है, वो भी देख लेते हैं सर। बिल्कुल सर, अपने पास आ गया केस थर्ड। केस थर्ड की बात करें तो लोन पेयर तो अपने पास आ गए दो और सिग्मा अपने पास हो गए कितने सर, तीन हो गए। तो अभी यहां पे दो पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटी आ गई। पहली पॉसिबिलिटी तो क्या कि अपना दोनों का दोनों लोन पेयर कहां चला जाए, एक्सजीएल पे चला जाए। और अगर ऐसा हो पाया तो आपकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप आ जाएगी। या हो सकता है कि दोनों के एक लोन पेयर आपका एक्सजीएल पे आ जाए, एक इक्विटोरियल पे आ जाए, या हो सकता है कि जितने भी हैं दोनों के दोनों वो कहां पर आ जाए, आपके इक्विटोरियल पे आ जाए। देखो ये स्ट्रक्चर में थोड़ी यू पेंट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोन पेयर है, दबाएंगे क्यों सर। तो यहां पर आओ, लोन पेयर 180 पे गया तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। फिर आओ लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 का 1, 90 का 2, 90 का 3, ऐसे ये नीचे वाले तीन लगेगा। तो 90 डिग्री पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन अपने कितने आ गए, 6। यहां पे देखा जाए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि 90 पर लोन पेयर आ गया तो ये स्ट्रक्चर तो कतई संभव नहीं है। अब यहां पर आए तो ये 120 पे है लोन पेयर, लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर 90 पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर है तो 120 के कोई सा भी रिपल्सन हो उसको भूल जाएंगे। तो आ जाओ इसके साथ 1 और इसके साथ 2, वैसे ये इसके साथ 1 और ये 2। तो 90 डिग्री पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने आ गए, वो आ गए 4। तो देखा जाए तो यहां पर तो रिपल्सन है 6 और यहां पे रिपल्सन है 4, तो ये स्ट्रक्चर पास हो गई। बिल्कुल सर, वैसे ही अगला केस अगर आएगा तो सीधा यहीं से समझ लो, ये 3 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। तो यहां पर तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि तीसरा फिर यहां देना पड़ेगा तो वो 90 पे आ जाएंगे। अब आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि आने वाला लोन पेयर भी कहां है यहां। तो अब तीन लोन पेयर एक दूसरे को 120 पे बैलेंस करेंगे तो ये वापस से 180 का एंगल ही आ जाएगा, एक लीनियर शेप आ जाएगी। तो आपने देखा ट्राइगोनल प्लेनर वाली शेप तो फेल हो गई। क्यों सर, क्वेश्चन की तरफ चले। बिल्कुल सर, तो अपने देखा सारी स्ट्रक्चर आ रही है लेकिन ये स्ट्रक्चर अपने पास नहीं आई। और ऐसे ही आप किसका देख सकते हो, SP3D2 का देख लेना और SP3D3 का। क्यों सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट करें सर। हाँ सर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर। नीट का सर सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार बोला जी साइन के बारे में। बताइए सर, अगर अपन आइसो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से हैं? सम संरचनात्मक आइसो स्ट्रक्चर तो अपन किससे काउंट करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से काउंट करेंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो बेटा देखो डायरेक्ट देख लो कि यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो सेम आ गए, 7 और 1 कितने हो गए, 8 हो गए इसके पास जी सर, 6 और 2 क्या हो गए, 8। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है। बिल्कुल सर, आइसो स्ट्रक्चर की बात करें इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp2 है और 3 सिग्मा ही है, इसमें कौन सा है sp2 है और 3 सिग्मा है। तो इनकी स्ट्रक्चर भी कैसी मिलेगी अपने को, सेम मिलेगी। इनके लिए बात कर लेते हैं, इनके लिए अगर बात करें तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर सेम है दोनों में जी सर, 17 और 1 18, जबकि यहाँ सल्फर के पास कितने हुए, 16 ही हुए। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है जी सर, तो ये रॉन्ग हो गया। आपने कौन है, दोनों NO3- और CO3-2 दोनों आइसो स्ट्रक्चर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट आ जाएगा। ये वाले आइसो स्ट्रक्चरल भी लिए, देखो हाइब्रिडाइजेशन बदल गया, इसका sp2 और इसका sp3। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढने का सबसे आसान सा तरीका है, जैसे सर ने कहा कि साइड एटम तो मैच कर लो, और या ये देख लो साइड एटम जो है वो आपके एक ही पीरियड के हैं या नहीं है, और सेंट्रल एटम एक ही पीरियड के हैं या नहीं है, इस चीज से कैंसिल कर। अगर इन दोनों में पूछता तो अपन बात ही नहीं करते क्योंकि ये सेकंड और थर्ड पीरियड के हो गए तो ये तो कभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनेंगे नहीं। क्यों सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट चले सर, बिल्कुल सर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स इन PCl3F2। ये बेंट रूल पर बेस्ड है, बेंट क्या बोलता है, हाई ईएन वाले को कहां रखना है अपने को, एक्सियल पोजीशन पर रखना है, और लो ईएन वाले को कहां रखना है, इक्विटोरियल पोजीशन में रखना है। तो हाई ईएन वाले कौन है बेटा, फ्लोरिन है, फ्लोरिन 2 है, उनको अपन कहां रखेंगे एक्सियल पोजीशन पर, और सीएल को कहां रखेंगे इक्विटोरियल पोजीशन पर, तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड। इसको बस हमेशा ये याद रखो कि जो ज्यादा रिपल्सन देगा उसको इक्विटोरियल पे रखेंगे। और यहां पर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा जाए तो जैसे कि सर बॉन्ड बेंड रूल से बोल रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है सर, कम है तो बॉन्ड, बड़ा है तो इनके बीच रिपल्सन है कम। नेक्स्ट चले सर, बिल्कुल सर।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मैचिंग, निम्न में से कौन सा मिलान सही है, ये हाइब्रिडेशन पर बेस्ड है जी सर। संकरण देखेंगे इसमें, उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, बताएं सर। सबसे पहले मैं बात करता हूं BS2 की, तो BS2 की अगर अपन बात करें, सर गोले कर रहे होंगे, समझ गए होंगे करेक्ट, इनको ध्यान रखना आपको। हाँ। तो इसका क्या हो गया, 13 ग्रुप का हो गया, 3 और 2 5 1 माइनस कर तो कितना आ गया 4, इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है, साइड एटम 2 है, इसका मतलब सिग्मा 2 है, लोन पेयर 0 है, तो ये कैसा हो गया, लीनियर हो गया। बिल्कुल सर। वैसे इसके पास बात करें sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी अपना लीनियर हो गया क्योंकि लोन पेयर 0 है, तो पहले वाला तो करेक्ट मैच हो गया। बिल्कुल सर। फिर इसके बाद में इसकी बात करते हैं अपन NO2 की, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया और लोन पेयर आ गया 1। वैसे इसकी बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अपने पास आ गया sp2 और लोन पेयर आ गया 1, तो दोनों के दोनों ये कैसे हो जाएंगे, बेंट एंगुलर या फिर वी शेप अपन इनको बोल सकते हैं, तो ये बात भी सही है, सही होगी। मैं हाइब्रिडाइजेशन सीधे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पहले ही क्वेश्चन के साथ पूरे समझा दिए, बातें कर चुके हैं अपन इनके लिए। फिर इसके बाद में अपन बात करें तो 4 और 3 7 और 1 8, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अपन बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3 लोन पेयर 1 आ गया, तो ये हो गया सर पिरामिडल। बिल्कुल सर। या इसको ट्राइगोनल पिरामिडल बोल सकते हैं। वैसे इसकी बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया 6 और 2 8 और लोन पेयर यहां पे भी 1 आ गया, तो सेम हाइब्रिडाइजेशन है और लोन पेयर सेम, इसका मतलब ये भी पिरामिडल है, तो ये भी मैच हो गया। बिल्कुल सर। लास्ट वाले की बात करते हैं तो 7 और 3 10 sp3d लोन पेयर 2 और 2 लोन पेयर आने का मतलब ये आपका हो गया बेंट टी शेप। फिर उसके बाद में pcl3 की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और लोन पेयर आ गया 1, तो ये कैसा होगा पिरामिडल, इसका मतलब ये आपका करेक्ट मैच नहीं है, ये तो हो गया लेकिन ये वाला साथ नहीं दे रहा है, अपना abc ऐसा है, सेकंड ऑप्शन जी सर। नेक्स्ट चले सर। बिल्कुल सर। देखिए सर, आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सिलेक्ट द स्पीशीज विच लोअर लैटिस एनर्जी, निम्न समूह में से निम्न जालक ऊर्जा वाले यौगिकों का चयन कीजिए। लैटिस एनर्जी बताएंगे सर, बताइए सर। लैटिस एनर्जी हो गई आपकी चार्ज अपॉन साइज, तो अब इनमें कंपैरिजन करना है, ये +2 में है, ये +3 में, तो कम चार्ज है तो कम लैटिस एनर्जी है, तो पहले ग्रुप में तो Fe आ गया लोअर, ये ध्यान रखना। बिल्कुल सर। निम्न जालक ऊर्जा यहां पे देखा जाए तो ये ऑक्साइड है, ये नाइट्राइड है, ये तो सोडियम तो ठीक है, Na+ दोनों में। अब N9 देखो, ये -3 में, ये -2 में, तो चार्ज ज्यादा है, साइज भी ज्यादा है, लेकिन चार्ज आपका यहां पे क्या माना जाता है, डोमिनेट माना जाएगा। तो यहां पर देखा जाए तो सर इन दोनों में से लैटिस एनर्जी अपनी ज्यादा हो जाएगी इसकी और कम हो जाएगी Na2। तो यहां से अपन चूज कर लेते हैं Na2। बिल्कुल सर। क्यों सर? बिल्कुल सर। फिर उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो यहां पे A9 सेम हो गया कार्बोनेट। अब देखो ये +2 में है, ये भी +2 में, चार्ज भी सेम हो गया। अब देखो साइज, तो बेरिलियम से मैग्नीशियम बड़ा है तो लैटिस एनर्जी कम है, तो यहां से अपन ले लेंगे मैग्नीशियम में कार्बोनेट। ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास, फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड Na2O एंड MgCO3। बिल्कुल सर। अगर बेटा जी अब लैटिस एनर्जी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, लैटिस एनर्जी आपको देनी है तो आप क्या करोगे, एक पीरियड में जब भी बात करोगे तो लैटिस एनर्जी किससे दोगे, चार्ज से दोगे, और जब भी एक ग्रुप में बातें करोगे तो लैटिस एनर्जी किससे दोगे, साइज से दोगे। तो अगर अपन ग्रुप में बात कर रहे हैं तो क्या देखना है, साइज देखना है, साइज इंक्रीज होगी तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर पीरियड में बात कर रहे हो तो किससे देना है, चार्ज से देना है, अगर चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। एक एग्जांपल आपको दे, NaF MgO स्कैंडियम नाइट्राइड टाइटेनियम कार्बाइड, इनमें देखते हैं +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4, क्या होता जा रहा है, चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा। या फिर एक एग्जांपल और काफी बार पूछा जा चुका है, MgF2 MgO, बिल्कुल सर, एंड Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो यहां देखें केटाइन सेम आ रहा है पर एनायन पर चार्ज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चार्ज बढ़ता जाएगा तो लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी, तो यहां ऑर्डर क्या जाएगा लैटिस एनर्जी का, Mg3N2 MgO एंड MgF2।
देखो एक चीज का आप ध्यान रखना, लैटिस एनर्जी में अपन हमेशा ये देख रहे हैं साइज और चार्ज में से चूज करना है तो चार्ज डोमिनेट हो रहा है। बिल्कुल सर। लेकिन फैजान्स रूल जहां आता है आपका, वहां पर हमेशा आपका चार्ज डोमिनेट होता है सेम ऐसे ही, लेकिन एक जगह ऐसी आएगी जहां साइज डोमिनेट हो जाएगी। वो चीज मेरे थोड़े ध्यान में आ गई, यहीं पे याद रख लेना उसको। ऑक्साइड और क्लोराइड की बात करें वहां पर हमेशा डोमिनेट साइज को माना जाएगा। जैसे अपन बात करें Na2O और NaCl, यहां पे कोवेलेंट करेक्टर पूछे तो चार्ज के अकॉर्डिंग तो इसमें होने चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा ऑक्साइड और क्लोराइड आएंगे वहां पर डोमिनेट साइज हो जाएगी, तो ऐसे में इसमें ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होंगे। ये कहां कहां रहेगा, जब जब आपका टकराव होगा ऑक्साइड और क्लोराइड से। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसमें तो सर अपना आंसर कौन सा हो गया था? फोर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले सर। बिल्कुल सर। हाँ देखिए सर, इन साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3 कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पी बाई क्यू इज पी मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पी पाई डी पाई, वो सर वाला ही आ गया क्वेश्चन वापस। क्यू टोटल नंबर ऑफ SP3 हाइब्रिड एटम, पहले तो अपन इसका ट्राइमर बनाएंगे। किसका? SO3 का ट्राइमर बनाएंगे। ट्राइमर का मतलब क्या हुआ, तीन से मल्टीप्लाई कर दिया तो S3O9 बन गया। क्या बन गया? S3O9। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाए SO 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 S, फिर डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, अब आगे सर आपको बताएंगे इनमें कितने पी पाई। सर वाली ट्रिक लगा लें सर, बताएं वाली ट्रिक। इसमें sp3 हाइब्रिडेशन आ गया तो सारे के सारे क्या होंगे, पी पाई डी पाई होंगे। तो यहां पर दो है, दोनों पी पाई डी पाई है। ये sp3 सेंटर है, ये sp3 सेंटर है और ये भी sp3 सेंटर है। इसके अलावा देखा जाए इनके पास दो लोन पेयर है, दो सिग्मा दो लोन पेयर। ये भी sp3 सेंटर है, ये भी sp3 सेंटर है और ये भी sp3 सेंटर है। तो आपका यहाँ पे क्यू तो का है sp सेंटर, तो वो तो कितने हो गए sp3 वाले, सिक्स हो गए सर। p का है पी पाई डी पाई, तो सारे ही sp3 है। इसका मतलब जितने भी पाई बन रहे हैं सारे पी पाई डी पाई, तो दो दो चार दो छह ही हो गए। तो अब चाहे Q अपॉन P पूछो चाहे P अपॉन Q पूछो, यहां पर दोनों ही रेशियो में क्या आ रहा है, बना सर बना। यहां से एक चीज और आती है, ये साइक्लिक ट्राइमर की बात चल गई इसलिए अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। S3PO4 ये आपका हो गया फॉस्फोरस का ऑक्सीएसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। अगर इसके एक ही मॉलिक्यूल को हीट दी जाती है तो इसी में से वॉटर का मॉलिक्यूल निकलता है और मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। क्यों सर? बिल्कुल सर। फिर आगे जाके यही आपका साइक्लिक ट्राइमर बना सकता है HPO3 3। अगर इसके आयनिक फॉर्म की बात करें तो अपन ये बोल सकते हैं P3O9 -3। क्यों सर? तो इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो वही स्ट्रक्चर जैसे सर ने उसकी बनाई है SO3 की सेम होगी। फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ये ऑक्सीजन, यहां पे डबल बॉन्ड ओ और एक आपका ओ माइनस, डबल बॉन्ड ओ एक ओ माइनस, एक डबल बॉन्ड ओ एक ओ माइनस। बेटा जितने भी मेटा एसिड्स हैं जी सर, वो सारे के सारे साइक्लिक फॉर्म में रहते हैं जी सर। चाहे तो मेटाबोरेट ले लो, मेटाबोरिक एसिड ले लो, या फिर मेटाफॉस्फोरिक एसिड ले लो, मेटाफॉस्फोरस एसिड ले लो, कोई भी मेटा आपके लिए बात करेगा। मेटा में किसमें रहते हैं, वो साइक्लिक फॉर्म में रहते हैं सर। और एक चीज हमेशा याद रखो, अगर सेंट्रल एटम सेम है और उसी के ऑक्सीएसिड की बात करें, मतलब एक ही एलिमेंट के ऑक्सीएसिड की अगर बात करें तो उनका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेम रहेगा। बिल्कुल सर। क्यों सर? दूसरे सर यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस की थोड़ी इनसे बात कर ले अपन। एक चीज का ध्यान रखना, हेलाइडों का हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है, सॉरी हाइड्रोलाइसिस, हेलाइड का हाइड्रोलाइसिस जब भी होगा ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं होगी। हाँ इंटरमीडिएट बनेगा, वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइब्रिडाइजेशन एक से बढ़ जाते हैं। जैसे sp2 मॉलिक्यूल का करोगे और प्लस थ्री में है तो वो प्लस फोर में चला जाएगा और sp3 में, लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वहां वापस से ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम रहेगी और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम रहेगा। क्यों सर? चले आगे। तो यहां पर सर अपना आंसर हो गया। हाँ सर देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, फिर मैं बोल रहा हूँ करेक्ट स्टेटमेंट देखना अपने को, सही कथन का चयन कीजिए। पहला CuCl इज कोवेलेंट एंड NaCl इज आयनिक। बेटा जी अपन बात करें जिनमें भी स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, छदम अक्रिय गैस विन्यास पाया जाता है, उनकी पोलराइजेशन पावर, उनके फाई के मान सामान्य अक्रिय गैस विन्यास से ज्यादा होते हैं। तो पहला अपना आंसर सही करेक्ट स्टेट करना है अपने को, बिल्कुल सही हो जाएगा। NaCl क्या है? आयनिक है, जबकि CuCl क्या जाएगा?
कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा। जैसे कि सर ने कहा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर पोलराइजेशन केटाइन ज्यादा करने वाला है, तो इसमें कोवलेंट करेक्टर भी ज्यादा होंगे, क्यों सर? बिल्कुल, तो अपना यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इन सीजियम I3, देयर आर सीजियम प्लस एंड I3 माइनस आयन। ये बता चुके हैं पहले कि I3 माइनस किस फॉर्म में है। यहाँ पर बेटा I3 माइनस का हाइब्रिडेशन भी आपको बार बार पूछ लेता है, पहले बात कर चुके हैं इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3d हाइब्रिडेशन। जी सर, और इसकी शेप कैसी मिलेगी अपने को, लीनियर शेप मिलेगी। इसमें बार बार ये भी पूछता है कि कौन लेविस एसिड है, कौन लेविस बेस है, पहले बात कर चुके हैं। तो आयन उपस्थित है, आयन पूछता है, मतलब ये पूछना चाहता है कि आयनिक बॉन्ड किनके बीच में है। तो आयनिक बॉन्ड आयनों के बीच में बनते हैं, सीजियम प्लस 3 और I3 माइनस के बीच में बनेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, आयन उपस्थित है, सीजियम प्लस 1 I3 माइनस, I3 माइनस 1 यूनिट है, ये ध्यान रखना। पहले भी सर ने डिस्कस किया था X3 माइनस पॉसिबल है, लेकिन F3 माइनस नहीं, उसका भी सर ने रीजन बताया था, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। केटाइन विद 18 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैव ग्रेटर पोलराइजेशन पावर देन द केटाइन विद, ये भी जो ऊपर वाली बात की है उसी को ये एक्सप्लेन कर रहा है। जी सर, जिनके आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा। तो अपना सर ये आ गया ABC ऑप्शन है, फोर्थ ऑर्डर देखो सर। इन इथीन नोडल प्लेन इन द पाई बॉन्ड लोकेटेड परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, इथीन में पाई बॉन्ड से संबंधित नोडल तल आण्विक तल के लंबवत स्थित होता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा बेटा जी, क्योंकि जो नोडल प्लेन होगा वो हमेशा उसी तल में आण्विक तल में ही बनता है। कैसे, जैसे यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है तो ऊपर से पाई बॉन्ड बनाने आएगा, तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और सिग्मा बॉन्ड के नीचे होगी। ये बीच में जो स्पेस रहा है यही क्या है, नोडल तल। किसका, ये पाई बॉन्ड का नोडल तल है। और ये कहां बना हुआ है, जहां पर क्या बना हुआ है, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, जहां पर क्या बना हुआ है, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। बिल्कुल, आप इसको समझना चाहे तो यूं समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अपर होता है वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये अपना नोडल प्लेन आ जाता है। बिल्कुल, नोडल प्लेन क्या होता है ये सबको पता है, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो। तो आंसर अपना आ गया फोर्थ आ जाएगा ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट चले सर। हाँ सर, द हाइब्रिड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम इन ईच PCl5 एंड PBr इन गैसेस फेज आर sp3, बट इन सॉलिड PCl5 फॉस्फोरस शो sp3d2 एंड sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट, फॉस्फोरस इन PBr5 इज इन sp3 हाइब्रिड स्टेट, दिस इज बिकॉज़। देखो बेटा जी, PCl5 इसको सॉलिड स्टेट में चेंज करते हैं, सॉलिडिफिकेशन करते हैं इसका, तो ये किसमें ब्रेक होता है, PCl4+ एंड PCl6- में। जबकि अगर अपन बात करें कि इसकी PBr5 तो ये किसमें बनेगा अपने पास, PBr4+ एंड Br-। यहां पर क्या नहीं बनता, PBr6- का फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसकी Br की कैसे होती है, साइज बड़ी होती है, Br की साइज बड़ी होने के कारण ये स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा, जिसके कारण ये स्टेबल कैसी, ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाती है। कैसी हो जाती है, अनस्टेबल, इसलिए इसका फॉर्मेशन नहीं होता। ऐसा ऑप्शन में देखें, आप यहाँ पे सर बता रहे हैं कि आपका ब्रोमीन बुल्की होने की वजह से ऐसा नहीं बना पाता है। एक चीज का ये भी नहीं बनेगा, Pi6- का फॉर्मेशन भी नहीं होता। अपन यहाँ पे देखने की अगर बात करें तो ये अगर आपको सॉलिड देता है तो आयनिक है, इसके अलावा गैसेज या लिक्विड फॉर्म में देता है तो ये आपका कोवेलेंट है, क्यों सर? जब तक नहीं बोले आपको गैसेज स्टेज में ही लेके चलना है, PCl5 में ऐसे पूछे PCl5 में हाइब्रिडेशन कौन सा है, तो आपको sp3d ही बताना है, ना कि sp3d2 और sp3। जब सॉलिड बोले तो ही बताना है, बाकी गैसेज फॉर्म में हमेशा ये कोवेलेंट है, और बाकी सॉलिड फॉर्म में ये कैसे है आयनिक, इससे मिलता जुलता एक और है सर, N2O5 कोवेलेंट है ये, लेकिन जैसे ही इसको सॉलिड दे तो ये आपका क्या हो जाता है, NO2+ एंड NO3- तो ये तो sp हो जाएगा और ये sp2 हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्यों सर? तो इसमें आंसर अपना कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा अपना, फर्स्ट इन सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट एज PCl6- एंड PCl4+। बिल्कुल सर, ये तो अपना sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और ये अपना सर sp3 हाइब्रिड, ये एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये इस फॉर्म में ना होके अपने इस फॉर्म में होता है, ये भी गया और ये अपना एग्जिस्ट, ये तो कहते ही फॉर्मूला फर्स्ट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाँ सर, कंसीडर द हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन एटम, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग व्हिच इन्वॉल्व लीनियर अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। लीनियर कब आता है, sp, देखो बेटा
दो ही कंडीशन में लीनियर शेप बनती है, एक तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में बनती है, दूसरी एसपी थ्री डी में। एसपी थ्री डी में कंडीशन कौन सी होती है, तीन दो सिग्मा एंड तीन लोन पेयर आते हैं, तो वो तो कंडीशन बनेगी नहीं, इसमें कार्बन है। तो अपन बात करेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन की। सर देखिए इसमें एक चीज हमेशा याद रखें, एसपी सेंटर से सीधा जुड़ा एटम हमेशा लीनियर होगा। बिल्कुल सर, सिर्फ एटम की बात करूं, जैसे इससे मान लो एसपी थ्री सेंटर है कोई और उससे सीएस थ्री आके जुड़ा हुआ है, तो इस एसपी से जुड़ा हुआ तो सिर्फ कार्बन है, तो ये कार्बन लीनियर है, ये तीन हाइड्रोजन लीनियर है नहीं है। और एसपी टू सेंटर से सीधा जुड़ा हुआ प्लेनर होगा, अगर एसपी टू सेंटर से सीधा कोई एटम जुड़ा हुआ है वो हमेशा प्लेनर होगा। तो आ जाए यहां पर, ये एसपी टू हो गया, ये एसपी टू हो गया, तो ये कार्बन प्लेनर तो है, लीनियर अपने इनको पूछे गए, देखिए लीनियर बात की इसकी ये। बिल्कुल सर, तो ये एसपी हो गया और ये एसपी हो गया, सिर्फ कार्बन की बात की है कि किसमें सारे कार्बन लीनियर है, तो ये दोनों एसपी ये तो लीनियर होंगे ही होंगे। और अभी मैंने बताया एसपी सेंटर से अगर सीधा कोई जुड़ता है तो ये कार्बन सीधा जुड़ा है तो ये लीनियर कार्बन है, और ये भी सीधा जुड़ा हुआ है तो ये लीनियर कार्बन है। तो क्यों सर, बिल्कुल सर, नेक्स्ट बात करते हैं। जी सर, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ O2 टू O2 माइनस इलेक्ट्रॉन एड इन पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्ड लेंथ, ये बात करें बेटा O2 से मैं क्या बना रहा हूं, O2 माइनस बना रहा हूं। पहले तो बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लेते हैं, 16 पर अपना बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 2 था, 2 17 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा, 1.5 आ जाएगा, कितना जाएगा 1.5। अब ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एड करने की बात करें तो अपने को डायग्राम आना चाहिए, डायग्राम अपने देखा था लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटीबॉन्डिंग में थे, तो नए आने वाला इलेक्ट्रॉन भी कहां जाएगा, एंटीबॉन्डिंग में जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड इन पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है। देखो जैसे कि सर ने पहले भी बताया था कि अगर आपके पास नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो 14 से कम होता है, क्यों सर, या 14 होता है, तो अपना कॉन्फिगरेशन होता है सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, फिर अपना पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, उसके बाद में अपन बात करें पाई 2px, पाई 2py स्टार और सिग्मा 2pz स्टार। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके 14 से अबोव हो जाते हैं तो इतना था तो सेम चलेगा। फिर ये याद रखो जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 से ऊपर हो जाते हैं तो हल्का हल्का नहीं रहेगा, हल्का भारी हो जाएगा, दबा दिया जाएगा, तो वो पहले आ जाएगा सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद में वही कंडीशन चलेगी अपनी पाई 2px, पाई 2py, फिर आगे वाले में कोई चेंज नहीं होगा, आगे वाला ऐसे कैसे आएगा पूरा, क्यों सर, बिल्कुल। तो अपने यहां पर अपन बात करें तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन हो गए 16, तो इस फॉर्म में भरा जाएगा, बिल्कुल, तो यहां तक अपने 14 इलेक्ट्रॉन हो गए सर। इसके बाद में आगे का कॉन्फिगरेशन फिलअप करते हैं, इन सब में तो दो दो आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, आगे का अपन भरे तो पाई 2px, पाई 2py स्टार, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्यों सर, ऑक्सीजन में, बिल्कुल सर। तो ये बात हो गई इसकी, फिर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा 17 हुए तो वो इसी में तो आएगा, तो पहला तो सही हो गया सर, इलेक्ट्रॉन जो एंटीबॉन्डिंग में जुड़ता है, बिल्कुल सही है, तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया करेक्ट। फिर सर ने बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली चलते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.0 और इसका 1.5, बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, तो सर दूसरा भी अपना सही। और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं, बिल्कुल, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है तो स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो अगला बोल रहा है स्टेबिलिटी, तो सारे सही हो गए सर, ए बी सी आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब क्या हो, जो जल्दी से वेपर में चेंज हो जाए, जी सर, जिसके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे वो जल्दी से वेपर में बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट पूछा है, सबसे कम वाष्पशील कौन सा होगा, जिसकी अपन बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, इनका ऑर्डर बता दें सर, इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा HF, फिर HI, फिर HBr एंड फिर कौन आएगा HCl आएगा, कौन आएगा HCl, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, परंतु बेटा जी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा अपना अलग आएगा, मेल्टिंग पॉइंट में कौन आएगा, सबसे ज्यादा HI, फिर HF,
फिर HBr एंड फिर HCl आएगा, ये किसका ऑर्डर आएगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा। देखो मेल्टिंग पॉइंट में ये चेंज क्यों आया, क्योंकि आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट है वो वंडरवाल फोर्स के अलावा पैकिंग पे भी डिपेंड, पैकिंग कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। और वंडरवाल फोर्स क्या, मैं यहां बात करूंगा इंट्रा न्यूक्लियर इंट्रामोलिकुलर फोर्स की, क्यों सर? तो जब भी पहले तो बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना हो तो पहले ये देखो मॉलिक्यूल कैसे है, अगर आयनिक का तो लैटिस एनर्जी से देखो, और अगर वो कोवेलेंट है तो वंडरवाल फोर्स से देखो। और वंडरवाल फोर्स मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और बीपी अपने वंडरवाल फोर्स के डायरेक्टली। तो जैसे कि सर ने बताया यहां से यहां जा रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो वंडरवाल फोर्स बढ़ रहा है तो बीपी भी बढ़ा, लेकिन सर ने ये अबनॉर्मली इसको ज्यादा कर दिया। उसका रीजन क्या है, एच बॉन्डिंग, क्योंकि एच बॉन्ड वंडरवाल फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग है तो पैकिंग ज्यादा देगा, इस वजह से इसका सबसे ज्यादा बीपी हो गया। और यहाँ पे तो सर अपने को सबसे कम वाष्पशील देखना है, मतलब जिसका बीपी ज्यादा हो, बीपी ज्यादा, वोलेटिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं, तो यहाँ पे एचएफ आ जाएगा। बिल्कुल, एक चीज का यहाँ पे आप और थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, एचएफ की बॉन्डिंग थी, एच बॉन्डिंग इसके बड़े कमाल की है। जब इसको गैसेज फॉर्म में कहा जाता है या लिक्विड फॉर्म में तो इसकी एच बॉन्डिंग होती है आपकी लीनियर, क्यों सर? सर तो ये आपकी एच बॉन्डिंग हो जाएगी लीनियर, लेकिन जब एच एफ को सॉलिड बोल देगा तो वो होगी जिगजैग। अब जिगजैग अपन तीन बना सकते हैं, तीन कैसे बना सकते हैं, एच एफ एच एफ एच एफ, क्यों सर? बिल्कुल सर। दूसरी जिगजैग मैं यूं बना सकता हूं, एच एफ एच एफ एच एफ एच F. ये भी जिगजैग है, साफ साफ दिख रहा है। बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखो, फ्लोरीन के पास तीन लोन पेयर है, तो जब भी ये लीनियर होंगे तो ये पास आने की वजह से इनके अंदर हाईली रिपल्सन लगेगा, तो ये स्ट्रक्चर कम पैक हो पाएगी। ऐसे में जो जिगजैग बनेगा इनका उसमें फ्लोरीन तो हमेशा जाएगा एंगुलर, और अपना हाइड्रोजन रहेगा वो रहेगा लीनियर। तो आपने देखा यहां पर फ्लोरीन लीनियर आ गया जो कि गलत है, यहां पे फ्लोरीन लीनियर आ गया जो कि गलत है, तो फिर इसका जिगजैग कैसा होगा? तो इसके जिगजैग की स्ट्रक्चर होगी फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन यो। तो आप देख रहे हो ये फ्लोरीन एक दूसरे से एक एंगल पे चले गए। बिल्कुल सर। और स्ट्रक्चर देखना चाहिए एच बॉन्ड की तो वो जिगजैग ही आ रही है, तो ये आपका करेक्ट एच बॉन्डिंग होगा जब ये सॉलिड फॉर्म में देता है, और अगर गैसेस दे रहा है तो आप इसमें लीनियर बोलोगे, क्यों सर? बिल्कुल सर। तो अपन यहां पे ऐसे ही अपन H2O की बात करें तो अगर वो आपका लिक्विड फॉर्म में है तो लीनियर सर, और जैसे ही आइस बनेगी क्रॉस लिंकेज हो जाएगा, और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्रॉस लिंकेज हो जाएगा आपका एच बॉन्डिंग का, कैसे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, आइस की बात कर रहे हैं अपन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये एच बॉन्डिंग होगी। अब इसको क्रॉस क्यों बोला, तो एक मॉलिक्यूल के एच बॉन्ड कौन से हैं, ये और ये, तो क्रॉस बना के नहीं बना, ये दूसरा मॉलिक्यूल है उसके एच बॉन्ड यही तो है ना, तो एक क्रॉस बन रहा है। कई बार ये पूछ लेता है कि एक मॉलिक्यूल कितने एच बॉन्ड बनाता है, इसको चार बना रहा है, देखो दो तो ये रहे और इसी के हाइड्रोजन दो इधर बना रहे, तो इसका अकेला मॉलिक्यूल चार एच बॉन्ड बनाता है, क्यों सर? बिल्कुल। तो यहाँ पे अपना तो आंसर तो था ही, बाकी इसके साथ अपन ने थोड़ा और देख लिया। हाँ सर, देखिए इन वेपर फेज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर H2 मॉलिक्यूल्स, वाष्प अवस्था में H2 अणु के लिए सत्य कथन है। बेटा जी H2 नॉर्मल कंडीशन में स्टेबल नहीं होता, ये हाई टेम्परेचर है, इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो कैसी, O2 जैसी ही होगी, जैसे O2 है वैसे ही H2 के लिए बात कर ले। O2 के लिए अपन बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, दो, और पैरामैग्नेटिक होता है, कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, वैसे H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2, और कैसा आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक, तो देख लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड पैरामैग्नेटिक आंसर आ गया अपना थर्ड। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जैसे सर ने कहा ग्रुप के अंदर सेम रहेगा, जैसे जो लिथियम के लिए है वही सोडियम के लिए हो जाएगा, बाकी MOTC तो अपन ने नियोन तक ही देखा है। बिल्कुल, अपने सिलेबस में नियोन तक है। हाँ, तो जैसे बेरिलियम है उसी की तरह मैग्नीशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, आप समझ गए होंगे ग्रुप वाले का सेम चलेगा, क्यों सर? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सर, इन ए होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द ऑर्बिटल आर डीजनरेटेड, अभी भी सर ने बताया था डीजनरेटेड कौन से हैं, MOT में बात करें तो एक तो पाई 2px इक्वल होता है किसके, पाई 2py, और या बात करें पाई 2px स्टार इक्वल आएगा किसे, पाई 2p
वाई स्टार के इक्वल आएगा, किसके पाई टू पी वाई स्टार के इक्वल आएगा। बॉन्डिंग में ये डिजनरेटेड है, एंटी बॉन्डिंग में ये, ऐसे मत देखना पाई वाले डिजनरेटेड होते हैं, कहीं यू डिजनरेटेड बना डालो, तो अपने आंसर आ जाएगा सेकंड सर, सेकंड आंसर नेक्स्ट सेकंड बिल्कुल। देखिए सर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज मैक्सिमम आइटम कैन लाइक इन द सेम प्लेन, ऐसी बात करते हैं बेटा तो स्ट्रक्चर अपने को आनी चाहिए कैसा है। जीनोन O2F2 की सर ने स्ट्रक्चर बताई थी पाई शेप है, कैसी है पाई शेप है, तो इसमें अपन बात करें पाई शेप कैसी अपने को नजर आ रही है, ये पाई शेप है, तो अगर अपन इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसे मैं ब्रेक करूंगा तो अपने पास 1, 2, 3 and 4 एटम, कितने इसमें 4 एटम एक प्लेन में आ जाएंगे। अगर PCl5 के लिए बात करूं तो PCl5 कैसा है अपने पास, ऐसे है PCl5 कैसा है, ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें मैं ऐसे ब्रेक करूं, इसको ऐसे ब्रेक करूंगा तो 1, 2, 3, 4 सेंटर, इसमें भी 4 एलिमेंट एक प्लेन में आ गए। अगर इसकी बात करूं इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा आएगा, टेट्राहेड्रल शेप आ जाएगी, तो इसमें अपन बात करें तो इसमें मैक्सिमम 3 एटम एक प्लेन में हो सकते हैं, इसमें 3 एटम ऐसे काटेंगे अपन ब्रेक करेंगे तो 1, 2, 3 एटम आ जाएंगे जी, ठीक है। इसमें बात करें इसमें जीनोन एफ फोर, जीनोन एफ फोर की स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा, स्क्वायर प्लेनर होती है, कैसी होती है स्क्वायर प्लेनर, ऐसे है, तो यहाँ फ्लोरिन 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 तो टोटल कितने हो गए, 4 तो लेटर एटम हो गए और एक सेंटर एटम, इसमें कितने हो गए 5, तो अपना आंसर आ जाएगा 4th आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BF3 NF3 बोथ आर कोवलेंट कंपाउंड बट NF3 इज पोलर BF3 इज नॉन पोलर, दिस इज बिकॉज़, ये बेटा जी स्ट्रक्चर बेस्ड है, BF3 की स्ट्रक्चर अपने को कैसे मिलती है, प्लेनर मिलती है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, यहां म्यू 0 कितना, क्या म्यू कितना मिलेगा 0 मिलेगा, जबकि NF3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा, पिरामिडल होती है, कैसी होती है पिरामिडल होगी, पिरामिडल होगी तो एक दूसरे को कैंसिल कंप्लीटली कैंसिल नहीं करेंगे, तो इसे कैसे कंपाउंड मिलेगा अपने को पोलर मिलेगा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि बॉन्ड पोलर हो तो मॉलिक्यूल भी पोलर हो, यहां पे साफ साफ दिख रहा है यहां पे बॉन्ड पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर है, और ऐसे ही जरूरी नहीं, जैसे NCl3 है तो इसकी भी 3.0 है, इसकी भी 3.0 है, तो यहाँ पे आपको देखने पे पता चल रहा होगा कि आपका बॉन्ड पोलर है नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल यहाँ पे पोलर है। वैसे यहाँ पे इसमें देख सकते हो PH3 में 2.1 है, मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड की पोलरिटी डेल्टा ईएन से दी जाती है और मॉलिक्यूल की पोलरिटी डाइपोल मोमेंट से दी जाती है, तो यहाँ पे सर ये आ जाएगा अपना कि ये पिरामिडल है लोन पेयर है, इस वजह से ये पोलर है, जबकि ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, साइड एटम सारे सेम है, बिल्कुल इसलिए ये नॉन पोलर हो, क्यों सर बिल्कुल, तो थर्ड आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ABMO, एंटी बॉन्डिंग में किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मैंने आपको तरीका बताया था सीधा साधे करने का कि सम ऑड एंड इवन नंबर इलेक्ट्रॉन देख लो, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास, तो ये तो डायमैग्नेटिक आ गया बिल्कुल सर। NO के लिए देखें, NO के लिए 15 इलेक्ट्रॉन आ गए तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा ऊपर जी सर, तो ये कैसा आ गया पैरामैग्नेटिक आ गया जी सर। O2-1 की बात करें, O2-1 की बात करें तो ये भी कैसा आ जाएगा पाई स्टार 2PX पाई स्टार 2PY 1 2, ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। O2+1 के लिए बात करें, इसके पास कितने 15, तो ये भी कैसा है पैरामैग्नेटिक, परंतु ये पूछ क्या रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, does not have unpaired electron, जो diamagnetic है उसके पास unpaired electron नहीं है, तो आंसर आ जाएगा अपना first। और ये भी ध्यान रखना unpaired electron ABMO में पूछ रहा है anti bonding, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, क्यों सर first हो गया। Next चलें, next question देखते हैं जी सर, in which of the following change hybridization not change, ये तो सर आपने वो उस दिन बताया तरीका बताया था मैंने, यहाँ पर अपन बात करें नाइट्रोजन की बात करें, यहाँ पर sp3 hybridization है और यहाँ भी इस अमोनियम आयन में अभी sp3 ही हाइब्रिडेशन है, हाइब्रिडेशन चेंज नहीं है, जबकि यहाँ बात करें sp2 हाइब्रिडेशन है, जबकि यहाँ बात करेंगे कौन सा जाएगा sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगा, किसका जाएगा sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगा। वैसे ही सर ने बताया था कि ये तो आपका कौन हो गया लेविस एसिड लेविस बेस, और आपको कहा था कि लेविस एसिड का चेंज हो जाएगा, तो ये sp2 से चला गया बोरोन चला गया sp3 में, बाकी ये sp3 का sp3 में ही ये सोलिड स्टेट वाला अभी अपन ने बताया था जी। सोलिड स्टेट में किस फॉर्म में रहता है ये PCl6- एंड PCl4+ में रहता है, तो हाइब्रिडेशन चेंज हो गया, तो अपना चेंज किस में नहीं हुआ फर्स्ट में, अपना हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हुआ, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, कई बार सर यहां से ये भी पूछ लेता है
हालांकि क्वेश्चन कर लेंगे आप प्रैक्टिस, कई बार एमओटी से रिलेटेड कुछ चीज दे देता है कि ये सीओ प्लस में चला गया, ये एनओ एनओ प्लस में चला गया, और फिर पूछ लेता है किसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, या पूछ लेता है किसमें बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, तो इनमें दो दो को चीजें मैच करनी होती है, तो ऐसे क्वेश्चनों की भी आप थोड़ी प्रैक्टिस करें। एक ये सर ये ध्यान में आ गया, तो आप थोड़ा बच्चों को ये बता दें इसमें थोड़ा सा लपड़ा है सर। बेटा इसमें जो CO से CO प्लस में जाते हैं ये एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलता है, एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण हो गया स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर में इंक्रीमेंट आए इंक्रीज होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से 3.5। अपन वैसे तो अपन ये बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात नहीं करते इतनी यहाँ पर, फिर भी अपन ये बोलेंगे कि ये बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज और यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी, तो आप बोले कि CO और CO प्लस में से, वैसे अपने सिलेबस में नहीं है ये ना, CO और CO प्लस में से किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो CO प्लस की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन हमेशा लास्ट से निकलते रहते हैं, यही ऐसा है जिसके एमओटी स्ट्रक्चर की वजह से एंटी बॉन्डिंग से निकल जाता है, क्यों सर? बिल्कुल। नेक्स्ट चले सर। यस सर। In which following compound 3-center 4-electron bond is present? ये तो सर अपन बच्चों को बता चुके हैं। हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप जब भी डाइमर बनाएगा ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड से, और हेलोजन जब भी डाइमर बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और कोऑर्डिनेट आपका कौन सा हो जाएगा? Al, Cl, 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 ये आपका Al। तो इसका जो वैकेंट 2p है उसके अंदर ये अपना कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट। तो यहां पे देखो 1, 2, 3 तीन तो हो गए सेंटर, दो इलेक्ट्रॉन यहां और दो इलेक्ट्रॉन यहां, 4 इलेक्ट्रॉन, क्यों सर? बाकी ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह बात भी अपन पहले कर चुके हैं, क्यों सर? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ सॉरी 3 सेंटर सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और जो टर्मिनल होगा वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो अपना आंसर इसमें कौन सा आ गया? थर्ड आ गया। नेक्स्ट खींच गया। Which of the following is correct order for, of stability? किससे देना है ये? अपने उसी से देना है कि bond order calculate करें। Bond order calculate करोगे तो करिए सर। बिल्कुल सर। जैसे अपने सबसे पहले C2 की बात करें तो bond order इसका आ जाएगा 2, 12 इलेक्ट्रॉन है। सर वाली वही ट्रिक लगाओ आप तो। 14, 3, 13, 2.5, 12 है 2.0, 11 है 1.5, 10, 1। सही है। ऐसे ही इधर अपन चले 15, 16, 17 और 18, अपना काम बैठ जाएगा। तो यहाँ पे 2.5, 2.0, 1.5 और 1, क्यों सर? तो यहाँ पर आओ, सबसे पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 12, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया ये। फिर C2 2 प्लस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 में बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। फिर C2 माइनस 2, तो C2 माइनस 2 की बात करें 14 इलेक्ट्रॉन हो गए सर, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। तो स्टेबिलिटी की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, तो उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो C2 माइनस 2 होगा, फिर अपना C2 होगा, और फिर C2 प्लस 2 होगा, तो फर्स्ट वाला तो सर गया। ऐसे ही अपन इसकी बात कर लेते हैं, तो यहां पे बात करें इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसके कितने 16, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। इसके कितने O2 माइनस 2 18, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। तो इतना था तो ठीक जा रहा था। फिर आगे बात करें 14, तो 3, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर हो गया। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। वैसे अपन इनकी बात कर लेते हैं थोड़ी, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, इसका 0.5 है और इसका भी 0.5। अब सर ने कहा था सेम ओवरलैपिंग, तो 1s 1s की तो हो रही है ओवरलैपिंग। सेम ओवरलैपिंग होती है तो देखो किसमें एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है, तो इसमें एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है और इसमें एंटी बॉन्डिंग कम है, तो उस हिसाब से इन दोनों में से ये कम स्टेबल है ये ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा तो ये स्टेबल होगा, फिर H2 प्लस होगा और फिर H2 माइनस होगा। H2 प्लस, तो ये दोनों इसी से हो जाएंगे सेट जिसमें सही नहीं है कोई सर, क्यों सर? इसमें सेकंड आंसर आ गया। तो अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज है क्या सर? आपके लिए सरप्राइज रखता हूं हमेशा। चलो सर देखते हैं। और ये देखिए सर जादू। अच्छा आगे भी अगर रखें आपने। In which of the following change bond length is decrease? Bond length decrease मतलब bond order बढ़ रहा होगा। बिल्कुल सर। 14, 3.0 यहाँ पे कितने हो गए? एंटी बॉन्डिंग 13, तो इसके तो हो गए अपने bond order 3, इसका हो गया 2.5। CO plus,
इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इन विच फॉलोइंग चेंज बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीज। देखो बेटा CO से CO प्लस जा रहे हैं, सर ने अभी पहले बात की थी अपन ने, CO प्लस में जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, ये एंटी बॉन्डिंग से निकल रहा है। यहाँ पर सिर्फ इसी क्वेश्चन पर अपने क्या ट्रिक नहीं लगती, अपने वाली ट्रिक का इसी पर आकर तो यहाँ पर CO और CO प्लस में से देखें तो ज्यादा स्टेबल कौन है, CO प्लस ज्यादा स्टेबल है, तो मतलब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो क्या कह रहा है बंध लंबाई घटती है, यहाँ बंध लंबाई बिल्कुल घटती है, अपना पहला आंसर आ गया। इसमें से देख लेते हैं बेटा, इसमें देखें CN माइनस बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 आया, जबकि CN प्लस की बात करें तो अपने पास कितना आएगा, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन हुए, 12 इलेक्ट्रॉन हुए तो कितना आएगा 2, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसमें बात करें अपन, बॉन्ड ऑर्डर 2 है और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, एन टू से एन टू प्लस वन जा रहे हैं, 3 है 2.5 जा रहे हैं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो अपना आंसर आ गया फर्स्ट। ये लास्ट है सर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, निम्न में से किसका जलीय विलयन चालकता प्रदर्शित करता है सर बताएं। तो यहां पे देखें, हमेशा ध्यान रखो जब भी आपके एसिड गैसेज या प्योर फॉर्म में होंगे तब वो हमेशा कोवेलेंट होंगे, ना एसिडिक प्रॉपर्टी देंगे और ना ही वो कंडक्टिविटी देंगे। बिल्कुल सर। क्यों सर? तो ये गैसेज फॉर्म में दे रहा है लेकिन साथ में कह रहा है जलीय विलयन बनाना है, और जलीय विलयन में ये हमेशा एसिडिक होंगे, आयन भी होंगे और कंडक्टिविटी भी शो करेंगे, क्योंकि ये आपका टूट जाएगा H प्लस एक्वस, जो कि आपको पता है एग्जिस्ट क्यों करेगा, क्यों सर? H3O प्लस, H3O प्लस, और ये आपका आ जाएगा Cl माइनस एक्वस। सर के कहने का मतलब है कि HCl जो गैसीय स्टेज में होगा तो कोवेलेंट होगा, जबकि एक्वस स्टेज में होगा तो कैसा होगा, आयनिक होगा। वैसे ही देखा जाए तो ये कोवेलेंट है, लेकिन एक्वस मीडियम के अंदर ये जब आपका जाता है ना तो एल्यूमिनियम प्लस 3 अपनी स्मॉल साइज और हाई चार्ज की वजह से, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है और ये आयनिक फॉर्म में चला जाता है, AlH2O6 प्लस 3 और Cl माइनस, और इस वजह से ये कंडक्टिविटी शो कर देता है। बिल्कुल। तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका बोथ फर्स्ट और सेकेंड, क्यों सर? बिल्कुल सर। आज क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हाँ सर बिल्कुल, और जहां तक देख रहे हैं अपने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर किया है, कोई पोर्शन अपन ने छोड़ा नहीं। तो अपने केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट हो गए, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ओके थैंक यू।